तो जैसे कि हम सब सोचते हैं कि किसी भी क्राइम का सबसे बढ़िया सलूशन यही है कि उसका उसके जो रूट कॉज हैं, जो जो क्रिमिनल हैं उस केस के, उनको एनकाउंटर से मार दिया जाए। बट क्या ये बहुत अच्छा ऑप्शन है? और क्यों नहीं है, अगर अगर नहीं है तो? वो इस मूवी में बात कर दिया थी जिस पे आज मैं बात करूंगा। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ अपडेट क्या चल रहा था, 15 दिन कहाँ गायब था। देखो, शुरुआत में थे मेरे पेपर, ठीक है? तो उस टाइम में थोड़ा क्वालिटी सिनेमा कंज्यूम करने लग गया था और लिटरली रिव्यूज भी इसीलिए नहीं आए 4-5 दिन शुरुआत। बट उसके बाद जो मेरे को महामारी ने पकड़ा है, महामारी मतलब वायरल ने जो पकड़ा है, भाई साहब 5 दिन लगातार बिस्तर से ही नहीं उठने दिए। इतना प्यार में थी वायरल मेरे कि वो चाहती ही नहीं थी कि मैं 2 सेकंड भी उससे दूर रहूँ। बेड भी पड़ा था, पता वो तो अच्छा है अभी चली गई है तो मैं थोड़ा हूँ ठीक ठाक। बट याद आया कि 19 को बर्थडे है और आज 14 हो गई। मैं लिटरली मूवी देख रहा था, 3 लेजेंड एक साथ, समझ रहे हो, आज की मूवी वो है। तो वो देखते देखते मेरे को याद आया 19 को बर्थडे है, ये हफ्ता चल रहा है मेरे बर्थडे वाला, बर्थडे वीक चल रहा है। और मेरे बाल तो मैं समझ आ रहे हूँ कि नहीं आ रहे हूँ, पर हाँ कमजोरी की वजह से बाल सभी दोनों चालू हो गए हैं। मतलब यहाँ के हो गए थे पहले, बट अब यहाँ के भी एक दो हो गए हैं। तो हाँ, कि जवानी आई नहीं, बुढ़ापा पहले आ गया, अभी 19 साल का हुआ नहीं और BNF TV का भी बर्थडे आ गया। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब बात करेंगे सीधा सीधा बेड टाइम के ऊपर, जो कि मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली, क्योंकि कुछ डिफरेंट करा है इस वीक में। जो मूवी आई है उस स्लॉट में कुछ डिफरेंट करती है मूवी। थोड़ी लंबी लगेगी मूवी ऑब्वियसली, क्योंकि मूवी जाती है 2 से 2.5 घंटे के बीच में, तो तुम समझ सकते हो लॉन्ग तो होने वाला है कुछ, ठीक है? दैट व्हाट शी सेज। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा सिनेमा कंज्यूम किया है इन टाइम्स में, तो रिव्यू आएंगे थोड़े कम आए शायद, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी मूवीज़ भी देखी जो शायद से शेल्फ ही कर दूँगा उन वीडियोज़ को, मेरे को लगता हूँ रिव्यूज आएंगे। बट इस पर आएंगे तो आगे आए, और थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही थी, और एक ना बर्थडे से पहले भी वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि अगर वीडियो डालूंगा तो बर्थडे अच्छे लगे, ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ। और अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है आई फील अलाइव, लिटरली ये काम करने में ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ, और मूवीज देखता हूँ तो भी लगता है, क्योंकि एक ना आर्टिस्टिक चीज़ मेरे अंदर बढ़ती है। टू बी ऑनेस्ट, अभी जैसे ये 5 दिन जो मेरे वायरल के साथ गुजरे, जो उसका और मेरा मेल मिलाप या प्यार जो था वो था, उसके बाद मेरे को लिटरली लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। 19 साल का जब होऊंगा तो हाँ, एक तरीके से नई लाइफ मिली है मुझे, क्योंकि बहुत गंदा वायरल था भाई, लिटरली मेरे को बुखार नहीं उतरा, सबसे बुरा बोला गया था, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है मेरे गले में, देखो थोड़ा ऐसा आगे ट्राई करता हूँ। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश करी है कि दुनिया ने भी मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा कहूँगा तो 4 गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए लेट्स गो। तो देखो, मूवी स्टार्ट करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने बेड टाइम से पहले ही जेल देखी थी 2-3 दिन पहले के गैप में। हाँ, बुखार में था, बट जैसे ही उतरा मैंने कुछ देखना चालू करा तो हाँ, मैंने बेड नाइट जेलर लगा दी थी टीवी पे। अब बात करते हैं मूवी पे, जो कि बेड टाइम है, जिसमें है अपने बिग बी सुपरस्टार रजनीकांत और फहद फासिल। मतलब मजा आ गया, फहद फासिल को जब भी स्क्रीन में देखते हैं मजा आ जाता है। और बाय द वे, मैंने कुंभलन की नाइट्स भी देख ली, सो अप्रिशिएट कर सकते हो तुम, मुझे गाली भी दे सकते हो कि 1 मिलियन गाया था। तो मूवी शुरुआत में सेटअप करती है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत को लेकर, कितने अजीब हो गए हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं, जो कि मैं मानता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूँ, तो समझ आता है कुछ कुछ चीज़ें कि बहुत ही अब्रप्ट होती हैं कि भाई टीचर की वीडियो बना रहे हो, भाई फोन ला रहे हो, टीचर की वीडियो बना रहे हो और वायरल कर दे रहे हो, लिटरली ये होता है मूवी में। और जब होता है तो मैं बुरा लगता है, फिर जब जो मिनिस्टर है वो सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए जेई का बैटल करवा देते हैं बच्चों में, ये एक बैटल निकाल देते हैं कि ये पढ़ो तो क्या पता ठीक हो जाओ तुम, और क्या वो होता है या नहीं वो मूवी में ही पता चले। और फहद फासिल देते हैं रजनी सर का इंट्रो, मतलब वो सीन अपने में ही एक अलग फैन बेस कैरी करता है, क्योंकि एक लेजेंडरी स्टार से दूसरे लेजेंडरी स्टार का इंट्रो कराए तो मजा आता है। तुम्हें पता ना हो फहद फासिल क्या है, तो कुछ मूवीज हैं देखना, इरुलगा की एक मूवी है वो देखना, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा। और कुंभलन की नाइट्स में थोड़ा सा ही रोल है, इतना ज़्यादा रोल नहीं है। अगर मूवी देखनी है तो देखो उनकी एक मूवी आई है जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है, जिसका नाम जिसका गाना भी था इल्यूमिनाटी करके, वो देखो मजा आ जाएगा। और मूवी देखते देखते जब वो इंट्रो हो रहा होता है रजनी सर का, तब मेरे को समझ आया था भाई इस बंदे के बाल नहीं है, और किसी असली बाल वाले से भी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है वो बंदा अपने नकली बालों के साथ, बिग के साथ। ठीक है, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा गाली पड़ सकती है, बट जो दिल में आ रहा है वो कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा जो
आते हैं सर एक्ट पर, एक तो सॉरी जितनी बार भी बोलो सब जो आते हैं स्क्रीन पर पहली बार तो मज़े ही उठा देते हैं, क्योंकि अगर तुम ये थिएटर में देखने जा रहे हो तुम्हें भाई क्या चीखे चिल्लाहट पीछे सुनाई देगी, मज़ा ही आ जाएगा। बट जैसे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें अप्रिसिएशन में बोली, एक चीज़ मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे एज होता जाता है एक एक्टर, डायरेक्टर को या जो फेलो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि जो डांस है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, बॉडी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा क्विक नहीं हो सकता है, तो एक्टर के हिसाब से धीरे धीरे कम कर देने चाहिए अपने डांसिंग, जो सॉन्ग्स होते हैं जिसमें नाच ही है वो कम कर दो, या एक्टर को जो अपना मेन एक्टर है जो तुमने रख रखा उसको साइड कर दो, उसके बच्चों को दिखा दो, ऐसा ऐसा समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। और फिर हमें दिखाए जाते हैं शुरुआत से बिग बी, और बिग बी को शुरुआत से इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि ये हैं अहिंसा परम धर्मा में मानने वाले, और अपने रजनी सारे हैं कि अपने में मानने वाले, जहाँ दिखेगा जो दिखेगा अगर बुरा करे गोली पड़ेगी सीधा सा। और फहद भाई आते हैं जादूगर में, और इसमें जो केमिस्ट्री दिखाई गई है अपने रजनी सर और फहद सर की, वो दोनों लोग एक तरीके से बैटमैन और रॉबिन है, तुम्हें पता है बैटमैन कौन होगा, बैटमैन रजनी सर है बैटमैन, और अपने रॉबिन बनते हैं फहद फाजिल का कैरेक्टर जो मूवी में बैटरी के नाम से जाना जाता है, और बैटरी सही चली जब तक चली, और मूवी शुरुआत से ही तुम्हें कुछ ट्रू इवेंट्स के आसपास घूमती हुई लगेगी, जो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये अभी 2-3 साल पहले ही सुना था, यूपी का कहीं का केस था ना, ऐसा तुम्हें हिंट्स आएंगे, और हाँ मूवी कहीं कहीं लगती है कि बिल्कुल अरे ये तो वही केस है। और एक डायलॉग है सर का जब वो एनकाउंटर करते हैं तो एक डायलॉग बोलते हैं निशाना लगाया तो शिकार पक्का है, तो वो ना थोड़ा क्लीश हो जाता है, क्योंकि 2-3 उसके बाद एनकाउंटर के बाद तुम सेम चीज़ सुन रहे हो तो क्लीश हो जाता है, बट एंड ऑफ द मूवी जब बोला जाता है तब अच्छा लगता है, क्योंकि स्टाइल से बोला जाता है ठीक है। और जैसे कि मैंने मूवीज में तुम्हें बताया दो लेजेंड, मतलब लेजेंड हम बिग बी और रजनीकांत सर एक साथ हैं, तो ऐसे ही हैं या हैं तो मैं कहना चाहूँगा लिटरली लेजेंड्स हैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट को जो है ना अपने उसमें से सोने में से भी जो होता ना कि एक हीरा चमक रहा होता है उसको उठाया, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है और दोनों के कैरेक्टर वेल रिटन है, थोड़ा कम स्क्रीन टाइम है एक का, क्योंकि ऑब्वियसली तुम दोनों को एक साथ इतना ही सेम स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते जो कि मूवी की डिमांड होती है यू नो, बट जितना भी है रोल दोनों का मस्त है, और जब एक बैंटर या कह सकते हो कन्वर्सेशन होती है दोनों के कैरेक्टर के बीच में तब हमें समझ आता है असली इम्पोर्टेंस कि जो अभी ये पास्ट इवेंट्स हुए वो कितने गलत हैं या कितने गलत हो गए हैं, उसको ठीक नहीं करा जा सकता है आगे मूवी जो भी चलेगी, बट जो ये पास्ट इवेंट्स है उसको ठीक नहीं करेगी मूवी, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। और उस एक कन्वर्सेशन में जब बिग बी समझाते हैं अपने रजनी सर के कैरेक्टर हो गए तुमने एनकाउंटर के जगह एक मर्डर कर दिया जो कि तुम्हें शायद समझ नहीं आया होगा क्योंकि तुमने बहुत जल्दी कराई है, और फिर वो जब रीचेकिंग होती है और जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि गलत तो हो गया रजनी सर अब क्या करना है वो देख, और मैं इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद सोच रहा था कि अगर सोचो कन्वर्सेशन होती नहीं भाई, एनकाउंटर कर रहे हैं मस्त घूम रहे हैं चिल हो रखे हैं कि भाई अपन ने जितने भी केस आज तक लड़े सब में एनकाउंटर करे सब बड़े गए कुछ गलत नहीं हुआ किससे अपन से, मैं जब भी शिकार करता हूँ तो शिकार फंसता है माइंडेड। और मूवी बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों पर बात करती है, इस पर मैं भी पर्सनली बात करना चाहूँगा कि जो फ्लॉन्ट एजुकेशन सिस्टम है अपना, कि तुम्हें कुछ सीखने के लिए तुम्हें एक चीज़ ज़रूर सीखनी पड़ेगी इंग्लिश, अरे नहीं सीखनी भाई, मतलब अगर मेरे को बायो सीखनी है तो मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मेरे को फिजिक्स सीखनी है इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब अगर मेरे को कुछ भी करना है आफ्टर 12th मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। देखो अपन लोग सीख लेते हैं जो हसलर लोग हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ बंदा किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा है, जैसे मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल से, मेरा एक क्लासमेट है दोस्त कह सकते हो दोस्त है वो मैथ में बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल से अच्छा है, बट क्या वो और आगे जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो MSc करेगा तो उसमें उसको इंग्लिश चाहिए, और जहाँ पर भी इंग्लिश चाहिए होती है वो थोड़ा हिचकिचाता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में या उसके टोन में दिखता है, तो हमने ना एजुकेशन सिस्टम को बनाई दिया अंग्रेजों का सिस्टम पता नहीं, और इससे समझ आता है कि कितने लोग बहुत कुछ कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, बट एक बैरियर जो आ जाता है इंग्लिश उन लोगों की लाइफ में जो भी उनको रोक देता है थाम देता है जो कि गलत है। और एक मूवी में एक पर्टिकुलर सीन या शॉट कह सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा,
या मेरे दिमाग में रह गया तो मैं जरूर तुम्हें बताना चाहूंगा कि राणा रघुपति का कैरेक्टर ना नीचे लाया जाता है किसके थ्रू, अपने सुपरस्टार के थ्रू। जब वो खींच के उसको नीचे लाते हैं तो वो दिखाता है अपनी पावर को कि उसको कॉल आ जाता है, अपने रजनीकांत सर को कॉल आ जाता है कि इसको वापस छोड़ दो क्योंकि इसने कुछ किया नहीं है कि यू नो सीएम लोग पीएम लोग या मतलब सॉरी जो मिनिस्टर लोग हैं उनका कॉल आ जाता है कि इसको नहीं पकड़ सकते आप, आपके पास वारंटी है ये वो, तो वो लिफ्ट में वापस जा रहा होता है। तो वो सिग्निफाई करता है उस कैरेक्टर की पावर को कि तुम मुझे नीचे ले तो आए बट मेरे पास इतनी पावर है कि मैं वापस से वहाँ चला जाऊँगा जहाँ पे मैं था और तुम मेरे को छू नहीं पाओ। बजट के बारे में चीज़ें समझाई जाती हैं और मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझा, पर मूवीज में जैसे लूप होल दिखाया जाता है बजट के अंदर जो है आई कॉटेज, और फिर होता है अपना बैटमैन और रॉबिन की केमिस्ट्री का या जो स्टोरी आर्क का है वो एक एंड। और तुम्हें पता है जैसे कि बैटमैन और रॉबिन में से कौन सा ही वो होता है सब्स्टिट्यूट, तो सॉरी टू से बट रॉबिन जा चुके हैं, एक नया रॉबिन आएगा कि नहीं वो अगली मूवी में ही पता चलेगा। बट जैसे कि हमारे रॉबिन की जो आखिरी विश थी गले लग गए हैं वो सुपरस्टार के, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने जो सुपरस्टार हैं उन्होंने राणा रघुपति को आखिर में पकड़ लिया कैसे ना कैसे करके लूप होल से, जैसे वो भागना चाह रहा था बट ना सुपरस्टार हैं वैसे रजनी सर ने पकड़ लिया, और 6 महीने का लीव दिखाया गया बहुत बड़ा लूप होल है क्योंकि अगर इतनी पावर है बंदे के पास तो 6 महीने में कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तुम आज के लिए बाबा को देख लो जो पहले जेल में पड़े हुए थे किसी केसेस में और अब वो बेल पर घूम रहे हैं, पता नहीं कैसा सिस्टम है अपना। बट मूवी कैसी है तो मैं कहना चाहूँगा अगर तुम देखने जा रहे हो ऐसा वैसा कोई सा भी वीडियो, तुम समझ रहे हो मैं सीधा शॉर्ट नहीं दे रहा, तो अगर तुम्हारे पास जिगरा हो या ना हो बट ये मूवी देखने जाना क्योंकि ये उन दोनों मूवी जो मैंने अभी बोल दी उनसे अच्छी है। बट मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी लाइन जो है वो मैटर करती है और इसकी स्टोरी लाइन विद एक्टर्स जो तुम्हें प्रोवाइड करती है वो अच्छा एक्सपीरियंस करती है, मुझे तो पर्सनली करा। तो हाँ देख लेना तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें कुछ अच्छा सिनेमा देखना है तो देखने जा सकते हो। और ये उन चीज़ों पर बात करती है जो अपनी सोसाइटी में चल रही है आजकल, तो अगर तुम आइटम नंबर या कुछ सोच के जा रहे हो तो नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट, तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बांध रहा हूँ। सीरियस मूवी है थोड़ी बहुत और तुम्हें इंडल्ज करके रखेगी जब तक चलेगी, ठीक है। बहुत दिनों से एंड नहीं किया, गला भर चुका है मेरा, तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलता हूँ मैं तुम्हें अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दूर रहना, और मज़ा आ रहा है भाई लिटरली वापस से आ रहा हूँ, ठीक है। 19 तारीख को विश कर देना भाई का बर्थडे, ठीक है, बाय बाय।